कोरोना की तीसरी लहर सितंबर माह तक देश में आने की उम्मीद है। जी हाँ, और तीसरी लहर को लेकर अभी से विशेषज्ञों ने चेता दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित होगी। 9 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका असर ज्यादा होगा। सरकार को चेताने के बाद अब सरकारी तंत्र को इस बात की तैयारी करने की जरूरत है। साथ ही साथ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि यही इलाज है कोरोना से बचाव का। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक और जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, वहीं विशेषज्ञों ने अभी से तीसरी लहर की आशंका जता दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरा बनी थी, जबकि दूसरी लहर युवा आबादी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा जानकारों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर देना चाहिए। अगर सरकार ने इस संबंध में जल्दी कोई कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। इस समय जब कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आशंका जताई जा रही है, ऐसे समय में टीका ना लगवाने वाले बच्चों में खतरा बढ़ सकता है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को इस समय कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना का नया संक्रमण भले ही बच्चों में किसी भी तरह की गंभीर समस्या पैदा नहीं कर रहा हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं। पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में मुंबई पुणे जैसे शहरों में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं बच्चों को होगा। ऐसे में हमें बच्चों के टीके के लिए तैयारियां करके रखनी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ सेक्टर को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, इस सप्ताह कोरोना अपने पीक पर आ सकता है, इसके बाद कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रोफेसर विद्यासागर ने यह भी कहा कि 7 मई को कोरोना अपने पीक पर होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हर राज्य में स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखाई दे सकती है। हर राज्य में कोरोना के पीक पर पहुंचने का समय भी थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर है या इसे बेहद करीब माना जा सकता है।